नमस्ते, आप खर्चा पानी देख रहे हैं, हमारा डेली का इकोनॉमिक बुलेटिन, और मैं प्रशांत हूं। अब शुरू करते हैं आज का शो, और आज के शो में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जराबी जी, बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिद्धार्थ। धन्यवाद प्रशांत। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ, और आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक सभा में भाषण देते हुए कहा है कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार में ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए, मतलब कि वहां के स्थानीय लोगों को किसी तरह का आरक्षण रोजगार में दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया है। राज्य के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी को इशारा करते हुए, उनकी तरफ इंगित करते हुए कहा कि किसी तरह की स्क्रीनिंग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा जानने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में जब लोग ऐसे अफसर से मिलते हैं जो बंगला पढ़ नहीं पाते हैं और लिख नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी। और जो दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो है शहरी इलाकों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में लेबर शॉर्टेज की, यानी कि ब्लू कॉलर वर्कर्स के शॉर्टेज की। और ये खबर तब आ रही है जब ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में, यही पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में लग रहा है कि कोविड की शायद तीसरी लहर आ सकती है। इस सारे खतरों के बीच एक लेबर शॉर्टेज की खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट की है, जिसमें जाने माने विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स सबको शामिल किया है। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। बात पहले खबर की, और सिद्धार्थ सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों के अंदर ब्लू कॉलर जॉब जितने हैं उनमें आरक्षण की बात और एक पॉलिसी लेकर हरियाणा सरकार आती है। इसको लेकर थोड़ा बहुत विरोध भी होता है, लेकिन लेकर आती है, खास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए। इसके अलावा इससे पहले गुजरात में, मध्य प्रदेश में स्टेट डोमिसाइल को प्रेफरेंस देने वाले कानून रह चुके हैं। यहां हालांकि ममता बनर्जी ने खासकर सरकारी नौकरियों की बात कही है, लेकिन इसको लेकर एक सवाल हमेशा जुड़ा हुआ रहता है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 16(2) और 16(3) के साथ ये कॉन्ट्रवीन करेगा ये मामला, क्योंकि सबको अधिकार है नौकरी पाने का और ये तमाम चीजें। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एस्पेक्ट से किस तरह से देखते हैं, और क्या ये मूव ज्यादा पॉलिटिकल है या कैसे ड्रिवन देखते हैं इस स्टेटमेंट को ममता बनर्जी? देखिए, बंगाल की जो ममता बनर्जी की अभी बात है, मुझे लगता है ये अभी उनके मन में एक विचार है जिसको उन्होंने इस प्रकार से बोला है। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री हैं और नया कानून बनवा दे जैसे हरियाणा ने किया है, बट अभी तक बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है कि स्पेसिफिक्स क्या हैं। मोटा मोटा ये बड़ा समझ के आ रहा है कि वो बंगाली भाषा जो तृणमूल की अपनी एक चुनावी रणनीति के नाते बाहरी लोकल ये चलता रहता है। अब जॉब्स को लेके जो उन्होंने कहा है, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये बात कर रहे हैं हरियाणा जैसे कानून की, तो उसको हमने फिर से समझना पड़ेगा। हरियाणा का कानून जो अगले जनवरी से, आने वाले जनवरी से लागू होने का प्रस्ताव है और उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, वो सबसे पहली बात प्राइवेट सेक्टर पे अप्लाई होता है, और दूसरा 30,000 से कम की नौकरी के लिए। ये दो उसके खास कैवियट्स हैं। और हमें, अगर हम इस बंगाल की अनाउंसमेंट या जो एक स्पीच दी है ममता बनर्जी ने, इसको उस दृष्टि से देखें तो कई सवाल उठते हैं। पहला, अगर भाषा से रिलेटेड है तो नॉन बंगाली व्यक्ति, यानी जो जन्म बंगाल में जिसका नहीं हुआ है, जिसकी पेरेंटेज एंसेस्ट्री बंगाल की नहीं है, और वो भाषा अगर सीख ले बंगला, कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, तो क्या उसको जॉब मिलेगा? दूसरा, क्या ये सरकारी जॉब्स के लिए है कि वो हरियाणा की तरह प्राइवेट सेक्टर पे अप्लाई भी करवाना चाहती हैं? बस मैं और आपको थोड़ा सा तीसरा, ये क्या इसमें सब जॉब्स पे लगेगा क्या? और इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। और इसको मुझे लेकर ये ही लगता है कि इसको ये लेकर जो ही मैं ट्रेंड आपको चली है, जी
हाँ एक बात बात मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि जो ये ट्रेंड चली हुई है, इस ट्रेंड को मुझे लगता है कि ये एक कोर्ट में जाके सवाल आने वाला है, और अगर ये स्टेट्स करेंगे, और जो आपने डोमिसाइल की बात की वो थोड़ा इस टाइप की प्रेफरेंस फॉर लोकल्स या रिजर्वेशन फॉर लोकल्स से अलग है। डोमिसाइल हमारे एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ हिस्ट्री में से आई हुई चीज है, उसके अलग आयाम है, और ये वाला विषय काफी डिफरेंट है। ममता बनर्जी ने स्टेट डोमिसाइल का ऑफ कोर्स जिक्र तो किया ही है, लेकिन ममता बनर्जी जब अपनी बात कह रही थी तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि यहां मैं नेशनल लेवल सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां बात कर रही हूं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, और जो निचले तबके में जो अफसर हैं जो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में सारी जरूरतों के लिए लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोग अपनी दिक्कतों को लेकर उनके पास जाते हैं, उनको बांग्ला जानना बहुत जरूरी है, बांग्ला का ज्ञान होना उन्हें बहुत जरूरी है, उन्हें बांग्ला पढ़नी आनी चाहिए, उन्हें लिखना भी आना चाहिए। ये बात साफ साफ ममता बनर्जी ने जिक्र किया उनके पूरे भाषण में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी एक सिर्फ भाषण ही है, लेकिन उनके पूरे भाषण में प्राइवेट सेक्टर का जिक्र कहीं भी नहीं था। देखिए अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा, स्टेट्स जो अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, जो एक राज्य के अपने अधिकार से होता है, उसमें कई स्टेट्स ने पास्ट में ये कह रखा है कि आप उस स्टेट के बाशिंदे होने चाहिए या वहां से पढ़ाई हुई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक उसमें मिसाल है। अब बंगाल अगर इस प्रकार से लोकल लेवल पे जिसे हम कहेंगे जॉब्स के लिए बात कर रहा है, तो उनको इस संबंध में मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके बगैर ये प्रयास किया गया तो उसको गैर कानूनी ठहराया जाएगा। एक कानून होना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं, और एक दो जो एक्सेप्शंस थे पास्ट में उनको छोड़ के बाकी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स फेडरल पॉलिटी में, हमारी फेडरेशन वाले स्ट्रक्चर में, यूनियन ऑफ स्टेट्स में मोबिलिटी ऑफ लेबर, पढ़ाई को लेके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, वो फ्रीडम पूरी अवेलेबल है। अब जम्मू कश्मीर की एक डोमिसाइल की बात है, हिमाचल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, झारखंड में संथाल परगना में रेस्ट्रिक्शंस है, और भी विभिन्न प्रकार की ट्राइबल्स के लिए और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए ये किया गया है, वो समझ आता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर हम अभी रेफर करें संविधान की धारा 16-2 को, इसमें साफ साफ लिखा है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। साफ साफ ये कह रहा है कि राज्य के पैमाने पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, भाषा या कहां आप रहते हैं, नहीं किया जा सकता। आप संविधान की धारा 16-3 पर चले जाते हैं तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉस व्हिच इज डिस्क्रिमिनेटिंग इन दिस रिगार्ड। तो पहले भी हमने देखा और आप सही इंगित कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर रुकेगा, कोर्ट में कुछ मामले गए भी हैं तो उसको लेकर, लेकिन एक जाहिर सा सवाल भी है सिद्धार्थ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगर ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को सुने तो कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि भाषा और सभ्यता को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर की सरकारी अफसरों के लिए जब वो उस सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं उनके। वो तो बिल्कुल सही है प्रशांत, के केंद्रीय जॉब्स जो हैं, जो यूपीएससी के थ्रू होते हैं, आईएएस आईपीएस हैं, कलेक्टर एसपी, उनको तो लोकल लैंग्वेज बिल्कुल बाजाबता सिखाई जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाली जॉब कह रहे हैं, अधिकांश वो लोकल्स के पास ही जाती है। एक आधा कोई अगर ऐसा केस होगा, अब क्योंकि तभी तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये जो उदाहरण भी दिया है और जिस संदर्भ में कहा है ये अभी क्लैरिटी नहीं है। हरियाणा में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आया था, हरियाणा में उसको पॉलिटिक्स से जोड़ के लाया गया, और वहां पे आप ये जानते हैं कि बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टी ने इसका प्रस्ताव उठाया पहले, बीजेपी खुद शायद उस पे पीछे हटने की कोशिश कर रही थी,
बट मनोहर लाल खट्टर की जो स्थिति है उसमें उनको वो मानना पड़ा है। बंगाल की डिफरेंट सिचुएशन है, बंगाल में ममता बनर्जी को अभी कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, उन्होंने एक बड़ा चुनाव जीता है। ये जरूर बात है कि बीजेपी के पास भी असेंबली में अच्छी खासी सीट्स हैं जो पहले कभी नहीं थी, बट उन्होंने भाषा से इसको लिंक किया है। हरियाणा में आप देखिए भाषा से लिंक नहीं किया गया और प्राइवेट सेक्टर वाली डिफरेंस है। तो मेरा ये मानना है कि ये शायद कहीं ना कहीं पे किसी कारण से एक राजनीतिक मुझे लगता है मेरे, मगर मेरी समझ माने, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक राजनीतिक लाइन ली है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर, बंगाली बनाम गैर बंगाली की लड़ाई जो लगातार चर्चा का विषय था चुनाव में, और बांग्ला पोखो नाम से छोटे छोटे ग्रुप्स लगातार बंगालियों को रिजर्वेशन और ये तमाम चीजें कहने को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे, और उनका उनकी करीबी तृणमूल कांग्रेस से देखी भी गई थी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लगता है मुझे इस समय में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जहां तक सवाल है, अगर ऐसा कुछ डिवाइस होता है तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट में पर ही जाकर रुकेगा। और मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि इसको लेकर भी, ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको लेकर भी केंद्र को कुछ सोचने की जरूरत है आने वाले दिन। बिल्कुल, और भाषा और ऑफिसर की लोकल नॉलेज ये एक बड़ा विषय है। इसको आपने देखा होगा कि पास्ट में भी टैकल किया गया है, बट मेरा ये मानना है कि हमें ये दूसरी तरफ भी एक आयाम देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है और हम उसमें देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स चाहे वो सेंटर या स्टेट्स में हो वो कम होती जा रही है। आप आर्मी और रेलवेज को निकाल दीजिए तो आप खुद देखेंगे कि रिक्रूटमेंट जो ओवरऑल है वो उतनी ज्यादा नहीं है। मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर स्किल और मेरिट बेस्ड होता है और वहां पे रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, और ये बंगाल में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों पे जो चीजें हो रही हैं ये इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले सालों में जैसे जैसे इकोनॉमिक नीड्स और इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बढ़ेंगे, और अभी जो एक मंदी के माहौल, एक वातावरण से थोड़ा थोड़ा शायद हम बाहर आ रहे हैं, इस सब में इस टाइप की डिमांड्स ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए जब नौकरियां खूब भरपार मात्रा में मिल रही हो तो तब ये चीजें ध्यान में नहीं आती, जब किल्लत हो जाती तब ये इशू आता है। बट ये जरूर जैसे लॉन्ग टर्म में एक इशू जिसे बोला जाता है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इंडिया के लिए एक इशू बनेगा इवेंचुअली, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और हमारे भूगोल और हमारी जो एक पिक्यूलियर काइंड ऑफ सिचुएशन है कि इस ये एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा कोई और देश नहीं है दुनिया में, तो ये एक इशू बनने वाला है और आज नहीं ये कई साल तक चर्चा होती रही। हाँ, इस लाइंस पे स्टेट्स का डिवीजन भी हुआ है, लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स हम आज देख रहे हैं हमारे देश में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े मसले पर चर्चा करते हैं। और उसमें एक प्रशांत, आप आगे आगे बढ़ने से पहले, आपने लिंग्विस्टिक डिवीजन कहा तो उसमें एक जस्ट हमारे दर्शकों को फिर से याद कराने वाली बात है, जब बिहार का बंटवारा हुआ तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश को जब कांग्रेस ने बांटा तब लिंग्विस्टिक बेसिक पे नहीं हुआ, वो रीजनल डिस्पैरिटी इकोनॉमिक इश्यूज को लेके हुआ। तो इतने सारी इस रायते में इतने सारी चीजें डले हुए हैं, ये बढ़ सकता है आगे जाके, इंटरट्वेंट भी है ना, इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, एक दूसरे से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे बड़े मसले पर आज चर्चा करते हैं, वो बड़ा मसला है लेबर शॉर्टेज। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, कोरोना वायरस की पहली लहर दूसरी लहर में हमने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन एक बड़ा ट्रेंड बनकर उभरा। इसके साथ जो PLFS का डेटा आया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया और तमाम प्राइवेट एजेंसीज के जो डेटा हमारे सामने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उससे दिखा कि जो शहरी बेरोजगारी है वो बढ़ी है और रूरल बेरोजगारी घट गई है, मतलब ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी घटी है, जो 40 सालों में एक बदला हुआ ट्रेंड नजर आया। अब इसके क्या कारण है, एक बहुत बड़ा कारण तो कोरोना वायरस है जिसका जिक्र भी मैंने किया, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आई है ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर, कि इंडस्ट्रीज को
फिलहाल लेबर शॉर्टेज का सामना लगातार करना पड़ रहा है, उनकी हायरिंग्स लगातार चल रही है, इसके बावजूद लेबर शॉर्टेज है और उनको लगता है कि ये लेबर शॉर्टेज बढ़ सकता है। उन्होंने अर्थशास्त्रियों को कोट किया है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को कोट किया है। तो सिद्धार्थ इस सवाल पर जाते हैं और इसको इसके इसके फैक्टर्स में तो एक ओमिक्रॉन अभी आ रहा है, इन पिछले कोरोना वायरस की लहरें नहीं है, लेकिन क्या सही मायने में अगर हम देखें तो मनरेगा और जो छोटे मोटे रोजगार के साधन हैं उस पर लेबर ज्यादा फोकस कर रहा है अभी भी, और शहर पर आने को लेकर एक रेजिस्टेंस है उसमें? देखिए, जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो ये पहली बारी हमने देखा कि एक बड़े तादाद में और एक बड़े व्यापक स्तर पे रिवर्स माइग्रेशन हुई। हर साल होती थी, छुट्टी त्योहार के टाइम पे होती थी, बट ये इतनी बड़ी शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में वापस जाने वाला लेबर का ट्रेंड हमने उस टाइम देखा। मजबूरी में था, लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के गए। ऐसा नहीं है कि भारत देश में ही केवल रूरल इंडिया से अर्बन पार्ट्स में जाके लोग काम करते हैं। चाइना में बहुत बड़ी मात्रा है, बल्कि मेजॉरिटी है वहां के लेबर फोर्स की, जो ग्रामीण चाइना से शहरी चाइना, अर्बन चाइना, और वहां बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उनमें जाके काम करते हैं। और ये हमारे जैसे इकोनॉमीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लेबर की दृष्टि से भी और अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से भी। अब इस दौर में क्या हो रहा है, साल 2020 से जब से पहला लॉकडाउन लगा, पहला ये कि शहर में बिना काम के रहना और बिना कमाई के, खासकर डेली वेज या जिसको साप्ताहिक पैसा मिलता है, उसके लिए असंभव है। ऐसे अपने देशवासियों के पास कोई सेफ्टी नेट भी ज्यादा नहीं होती, इनके पास 2-3 दिन से ज्यादा का पैसा नहीं होता है, कई लोग तो बिल्कुल हैंड टू माउथ डे टू डे काम करते हैं। दूसरा, उनकी जो जिन घरों में रहते हैं, खोलियों में रहते हैं, जो कमरे रेंट पे लेते हैं, उनका किराया भी काफी होता है, शेयर्ड बेसिस पे रहते हैं। मैं ऐसे केसेस जानता हूं जहां पे एक व्यक्ति रुकना चाहता था, 3 लोग कमरा शेयर करते थे, किराया शेयर करते थे, 2 चले गए, पूरे कमरे का किराया इस एक व्यक्ति पे आया, मजबूरी में उसको दिल्ली छोड़ के वापस गांव जाना पड़ा। तीसरा जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं रूरल इंडिया में 2 फैक्टर्स प्ले करे हैं पिछले 2 साल में और उससे पहले भी, वो ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो प्रभु की कृपा से ठीक चली है, बारिशें ठीक हुई हैं, हालांकि अकस्मात बारिश से नुकसान भी हुआ है, बट ओवरऑल सूखा नहीं पड़ा है। और उसके कारण जब बंपर क्रॉप होता है तो फार्म हैंड्स की जरूरत होती है, और परिवारों में ये कई बारी उनको फायदेमंद होता है कि अपने ही परिवार के व्यक्ति से काम करवा लो, क्योंकि उसको फिर वो उतना पैसा उस लेबर का बच जाता है। अब वापस आने की जो बात रही, सबसे बड़ी बात हम जो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी होती है डेली वेज लेबर्स की। एक चीज अब पैटर्न एस्टेब्लिश हो गई है पिछले 2-3 साल से कि जैसे ही दिवाली और उससे पहले का मौसम आता है, मैं दिल्ली एनसीआर की स्पेसिफिकली यहां पे बात कर रहा हूं, तो लोगों को पता रहता है कि कंस्ट्रक्शन पे बैन लगना है, पराली का धुआं और ये सब एक साथ में मिक्स करके आनंद फानंद में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। और इस टाइम पे मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि फिर से एक बारी लेबर गांव चला गया, तो फिर छठ भी है, दिवाली का पर्व भी है, तो हर जगह पे अपने अपने लोकल फैक्टर्स हैं। मैंने एक ये उदाहरण दिया है कि वापस फिर दिल्ली में आके काम करना, एनसीआर में आके काम करना, और जब इनफॉर्मल सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो, जो बड़ी फैक्ट्री में पक्की नौकरी पे है, जिसका पीएफ कट रहा है, उसका वापस जाना तो संभव आसानी से होता नहीं है, उसकी तो नौकरी छूट जाएगी इस चक्कर में। इसलिए ये उस तबके को इम्पैक्ट ज्यादा करता है जिनके पास पक्की नौकरी नहीं, जो कैजुअल लेबर क्लास में आते हैं, डेली वेज बेसिस पे हैं, और उनको फैक्ट्री या कहीं और कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेबर साइट पे सड़क को पेंट करने के लिए ठेकेदार तब हायर करता है जब उसके पास खुद आगे काम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म परमानेंट रहेगा? मेरा ऐसा मानना नहीं है। जब इकोनॉमी सुधरेगी और हमारी इकोनॉमी के इंजन्स अर्बन क्लस्टर्स हैं, जो बड़ी मेट्रोज हैं और उसके साथ जुड़े हुए कुछ बड़े शहर हैं, उनमें ये मैटर नहीं करेगा। वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले के पास, जिसका काम इस टाइप का तकनीकी काम है, जो एक कमरे में बैठ के कंप्यूटर इंटरनेट के साथ हो पाएगा,
उसके लिए वर्क फ्रॉम होम संभव है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज सेक्टर, इससे जुड़े हुए जो और सेक्टर्स हैं, उनमें वर्क फ्रॉम होम या टेक्निकली इस्तेमाल करने वाला कोई उपाय नहीं है, वो निश्चित तौर से फिजिकल वर्क, ऑन साइट वर्क ही होगा और वो स्थिति सुधरेगी। इसके साथ जैसे ही आप इकोनॉमी में फिर से और बढ़ोतरी देखेंगे, मेरा मानना है कि अगले साल शायद अगर हम इस चीज का आकलन करें अगली गर्मी के आसपास, तो हम ये देखेंगे कि एक बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स वापस आ गई। आखिर में इसमें ये कहूंगा, ओमिक्रॉन या कोई और वेरिएंट कोविड का नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, वो अज्यूम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। खुदा ना खास्ता, भगवान बचाए, अगर ये लॉकडाउन की फिर से कोई नौबत आ गई तो फिर स्थिति फिर से खराब हो। यही मेरा जो मैं जो अपनी बात रखने चाह रहा था, मैं जो आपको इंटरजेक्ट करना चाह रहा था, वो इसी को लेकर था कि क्या ओमिक्रॉन का खतरा अगर देखने को मिलता है या डर पैदा होता है, क्योंकि हमने दो वेव्स देखे हैं। पहला वेव शायद उस हद तक, मतलब लोगों की जान का जहां तक सवाल है, उस हद तक लोगों की जाने नहीं गई थी, पर दूसरे वेव में तो हमने प्रत्यक्ष तौर पे देखा कि लोगों की जाने गई, बड़ी तादाद में लोग मारे गए, बहुत लोग अस्पताल में थे, बहुत मुश्किल से बचे हैं, वो दौर हमने देखा है। तो एक डर लोगों के मन में जरूर है। इसके अलावा मुझे लगता है एक और फैक्टर है जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा था, वो फैक्टर ये है कि पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन एक बड़ा मसला रहा है। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और बहुत चीजों पर प्रतिबंध लगाई गई है, तो ये भी एक कारण है कि सस्टेन्ड जो रोक लगी है पिछले समय में, उससे भी लेबर का माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन संभव है कुछ हद तक। एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, अगर उसे पहले से ही नौकरियां नहीं मिल रही थी तो ये जो फिलहाल का वक्त है जब पोल्यूशन की वजह से रोका गया है, हो सकता है वो इस डर से भी वापस लौट रहा हो या लौट गया हो। सर, ओमिक्रॉन को लेके अगर हम थोड़ा इस पे फोकस करें तो दो चीजें जो उभर के आ रही हैं, अभी दो सप्ताह से ज्यादा ओमिक्रॉन फिर से सुर्खियों में, या पहली बार सुर्खियों में आके काफी चर्चा में रहा है, और फिर से कोविड की एक लहर की आशंका और जो डर पैदा हुआ है, ये बहुत तेजी से फैलता है और ये संक्रमण बहुत जल्दी करता है, इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर दूसरी तरफ, और मैंने अभी दो लेख पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं जो अफ्रीका से हैं, एक बोट्सवाना का डेटा है और एक साउथ अफ्रीका डेटा है, उसमें से एक बात बड़ी क्लियरली इमर्ज होके आ रही है कि हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। दूसरा ओमिक्रॉन के कारण हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, और दूसरा अभी तक कोई डेथ्स मेजर तरीके से ओमिक्रॉन को लेके एट्रीब्यूट नहीं की जा रही, और तीसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि जिनको ये ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, और ये मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे कुछ केस डिस्कवर हुए हैं उनकी नहीं चर्चा में कर रहा हूं, उनमें ये देखा जा रहा है कि जिसे एक प्रकार से खांसी जुकाम या हल्का सा उस टाइप का जुकाम वो कहा जा रहा है, तो अगर इतने में ही निपट जाए तब तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमें आखिर में एक बहुत बड़ी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सरकार और लॉकडाउन को लेके क्या रवैया होगा। देखिए, मेरा मानना है कि पहला लॉकडाउन संक्रमण फैलने से पहले प्रीएम्प्टिवली लगाया गया, दूसरा जब संक्रमण हुआ, जो वेव आई, उस टाइम उस टाइप का कठोर लॉकडाउन तो नहीं लगा, लोग खुद नहीं निकले वो अलग बात है, पर अर्थव्यवस्था के पहिए चलते रहे इसका भी ध्यान रखा गया। तो तीसरे अगर वेव, भगवान बचाए, अगर वो आती है तो उस दूसरी और तीसरी में बड़ी फर्क क्या है कि काफी व्यापक स्तर पे वैक्सीनेशन हुई है, इसलिए जिन लोगों ने नहीं लगाया है, आपके शो के माध्यम से मैं कहूंगा कि जाके तुरंत लगवा लो, कुछ नहीं होना है, छोटी सी सुई है और फ्री में बहुत इंजेक्शन मिल रहा है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी जेब से पैसा दीजिए, ये सब इधर उधर की इंटरनेट व्हाट्सएप का ज्ञान मत पढ़िए, इंजेक्शन लगाइए, थोड़ा बहुत अगर बुखार हुआ कोई बात नहीं, दूसरा लगवा के काफी हद तक आप निश्चिंत हो जाएंगे, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या, सैकड़ों करोड़ों की संख्या में विश्व भर में लोगों ने इंजेक्शन लगाए,
तो आप अकेले खड़े होके कोई बहुत ज्यादा अचीव नहीं करेंगे। और विदेशों में तो बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं, बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गए। नहीं, यहाँ पे लोग खुद से ही तीसरा डोज लगवा रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रही है, अपने मन से अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं। खैर, मैं उस हद तक तो नहीं जाने को कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं जिन्होंने नहीं लगवाया है तुरंत लगवा लो। और एक आखिरी बात, सरकार के द्वारा और जो एक्सपर्ट कमिटी है वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, वो बड़ा सवाल है। और बहुत सारा आपने देखा स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं, खुल चुके हैं, इसलिए वो जो देरी की जा रही है वो मैं मानता हूं कि वो एक ऐसी चीज है जिसपे अब साइंटिस्ट जो हमारे हैं उनका आदर है, उनका सम्मान है, पर बहुत ज्यादा समय मत वेस्ट करिए, तुरंत बच्चों को इंजेक्शन लगाने की भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए अपने देश में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। तो ये था आज का हमारा खर्चा पानी, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, उसमें हमसे सवाल पूछें, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दर्पण दुरुस्त हो रहे हैं, जल्द ही आपके साथ शो में भी वो हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।